अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 9 के में ऑब्जेक्टिव मार्क कर दिया है, इनको देखना शुरू करेंगे। एनिमल्स के करेक्टर्स आपको याद करने हैं। एनिमल्स के जनरल करेक्टर्स में मल्टीसेलुलर है, हेटेरोट्रॉफ्स है, ये सब डैश में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ सकता है, ये सब मार्क कर दिया है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एनिमल क्लासिफिकेशन जो है वो 33 ग्रुप में कर दी गई है, जिनमें से 9 मेजर फायरा हैं, उनके नाम ये हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है वो माइनर फायला हैं। और क्लासिफिकेशन जो है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बेस पर की जाती है, ये आपको मालूम हो। टिश्यूज लेयर्स और सिमेट्री और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के पैटर्न पर जो है वो क्लासिफिकेशन बेस करती है। ये इम्पोर्टेंट है, ये डेंडोग्राम आप याद करेंगे ज़रूर। इसके अलावा फाइलम पॉरीफेरा, ये मार्क करने से रह गया है कि फाइलम पॉरीफेरा जो है वो सब किंगडम पैराजोआ में शामिल है, बाकी सारे जो हैं वो सब किंगडम यूमेटाजोआ में यानी टू मेटाजोन्स में शामिल हैं। और उनकी वजह यह है कि इनमें टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों पाए जाते हैं, यूमेटाजोआ में, पैराजोआ में नहीं है। ये की पढ़ते वक्त जब आप फाइलम पढ़े हों, ये एवोल्यूशनरी ट्री जो है आपने फाइलोजेनिक ट्री, इसको आपने सामने रखना है ताकि आपको तेज़ी से याद हो जाए। इसके अलावा आपको 3 जर्मन लेयर्स का मालूम होना चाहिए, उनके नाम, और ये भी पता हो कि अदर स्ट्रक्चर्स आर ड्राइव फ्रॉम डैश 3 जर्मन लेयर्स, ठीक है, टिश्यूज उसी से बनते हैं, ये बात आपको याद हो जाए। इसके अलावा डिप्लोप्लास्टिक है 2 लेयर्स, एक्टोडर्म मेसोडर्म, ये याद हो जाए। एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए डिप्लोप्लास्टिक की कि ये निडेरियंस हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक जो है वो 3 लेयर्स रखेंगे, एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म, और उनके एग्जाम्पल्स में प्लैटीहेलमिंथ से लेके गॉडेट्स तक सब हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक में जो स्पेसिफिक करेक्टर है वो के ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। सिमेट्री आपको मालूम होनी चाहिए, 2 टाइप्स की हैं, रेडियल एंड बायलैटरल। रेडियल में जो है वो सिर्फ टॉप और बॉटम, ओरल और एबोरल साइड्स होती हैं, कोई हेड कोई टेल नहीं होती, लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं होता, ठीक है। एग्जांपल्स आपको पता हो कि रेडियल सिमेट्री में कौन कौन से एनिमल्स शामिल हैं, इनको नाम पर उंगलियों पर याद हो जाना चाहिए कि रेडियल सिमेट्री में कौन कौन से फाइलम शामिल हैं। बायलैटरल सिमेट्री जो है वो यूमेटाजोन्स होते हैं और इनमें डोर्सल वेंट्रल साइड्स होती हैं, एंटीरियर हेड और पोस्टीरियर साइड होती है, और लेफ्ट और राइट साइड होता है। ये आपने बायलैटरिया को याद कर लिया, बायलैटरल सिमेट्रिकल रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम बायलैटरिया कहते हैं। अच्छा, सिलियोम्स के बेस पर जब क्लासिफिकेशन हो तो 3 किस्म के होते हैं, या तो वो ए सिलोमेट होता है जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होती बिल्कुल भी, और बॉडी सिलोम क्या चीज़ है, अ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक, ये आपने याद कर लेना है। सूडोसिलोमेट्स में क्या होता है कि कैविटी तो मौजूद होती है लेकिन वो इनकम्प्लीट लाइनिंग होती है उसमें मेसोडर्म की, इस वजह से हम उनको सूडोसिलोमेट कहते हैं। एग्जाम्पल सूडोसिलोमेट की एस्कल्मेंट्स हैं, इनको याद करना है, एग्जाम्पल याद होनी चाहिए। शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव दोनों आपके तैयार हो रहे हैं, इनको पक्का पक्का याद कर लीजिए। सिलोमेट जो हैं वो एनिलीड से लेके कॉर्डेट तक सारे हैं, ट्रू बॉडी कम्प्लीटली लाइंड विद मेसोडर्म होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिलोमेट्स कहते हैं। सिलोमेट 2 किस्म के होते हैं, या तो वो प्रोटोस्टोम्स होते हैं या वो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। प्रोटोस्टोम्स वो होते हैं जिनका ब्लास्टोपोर जो है वो माउथ में चेंज हो जाता है, ठीक है। इनकी एग्जांपल्स में प्रोटोस्टोम्स में इंक्लूड होते हैं एनिमल्स एनिलीड्स, मोलस्क एंड आर्थ्रोपोड्स, जबकि ब्लास्टोपोर अगर एनस में चेंज हो और दूसरी ओपनिंग माउथ के लिए हो तो ऐसे के लिए बने, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे सिलोमेट्स को हम ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं। और इनके एग्जांपल्स में या इनमें इंक्लूड हैं काइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स, ऑकॉर्डेट्स, ये आपके ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। इसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स जो है 97% ऑफ ऑल एनिमल्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, ये आपने याद कर लिया। ये डिफरेंसेस हैं प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम्स के, ये इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट में याद करना चाहें तो वैसे कर लीजिए कि क्लीवेज कौन सी है और ये किसकी है, नहीं तो आपको मैंने जो लेक्चर अपलोड किया है
प्रोटो ड्यूटेरोस्टोम्स का, उसमें से आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं। इसी तरह पॉरीफेरा को आप तैयार करेंगे, स्पॉन्जेस सिंपलिस्ट एनिमल्स हैं, स्पॉन्जेस एक्वाटिक फिल्टर फीडर्स हैं, ये मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ती जा रही हूँ, ठीक है। अब स्पॉन्जेस में ट्रू टिश्यूज एंड ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। इसके अलावा वाटर ड्रॉन जिस्म के अंदर दाखिल होता है ऑस्टिया के जरिए, ठीक है, ड्रॉन थ्रू द पोर्स ऑस्टिया। जनरल बॉडी कैविटी इज नोन एज स्पॉन्ज सील, ये डैश हो गई, ठीक है। और स्पॉन्ज सील से पानी जो है वो ऑस्क्यूलम के जरिए बाहर चला जाता है, तो वाटर फ्लो आउट ऑफ द स्पॉन्ज थ्रू डैश द ऑस्क्यूलम। द टू लेयर्स ऑफ स्पॉन्ज बॉडी इज सेपरेटेड बाय जिलेटिनियस मेसेनकाइम, ये एक डैश हो गई, इस तरह ऑब्जेक्टिव हो गई। इस तरह आप याद कर रहे हैं, आउटर फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स आर ऑफ स्पॉन्जेस आर नोन एज पिनाकोसाइट्स, इनर फ्लैटेंड सेल्स ऑफ स्पॉन्जेस आर कॉल्ड क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल्स। स्पॉन्जेस हैव इंटरनल स्केलेटन कॉल्ड डैश स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स प्रोवाइड डैश एंड डैश सपोर्ट एंड इरेक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, शेप एंड सपोर्ट एंड इरेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ डैश 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 कैल्शियम कार्बोनेट कैलकेरियस सिलिका से जो है वो सिलेशियस और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। बाथ स्पॉन्जेस के जो एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ डैश प्रोटीनियस एंडोस्केलेटन होता है। बाथ स्पॉन्जेस हैव डैश स्केलेटन प्रोटीनियस स्केलेटन। स्पॉन्जेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पॉन्जेस आर डैश हेमोफोडाइट। हेमोफोडाइट हैव बोथ सेक्सेस इन वन ऑर्गेनिज्म वन इंडिविजुअल, ठीक है। स्पॉन्जेस प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय डैश 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 फ्रेगमेंटेशन ब्लडिंग एंड गेम्यूल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस इज डन बाय डैश एग्स एंड स्पर्म्स। फॉर एग्स एंड स्पर्म्स ऑफ स्पॉन्जेस आर फॉर्म्ड बाय डैश अमीबोसाइट्स, ठीक है। फर्टिलाइज एग डेवलप इंटू डैश अ मल्टी सेलुलर फ्री स्विमिंग लार्वा। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ स्पॉन्जेस आर डैश साइकन यूप्लेक्टिला और स्पॉन्जिला, ये आपको याद हो गया। ये बॉक्स भी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से भी आ सकते हैं कि स्पॉन्जेस आर मास्टर फिल्टर, मैंने कर दिया, कितना लीटर पानी ले लेते हैं, ये सब आपने प्रीडेटर्स को वो केमिकल्स के जरिए करते हैं। जो केमिकल्स स्पॉन्जेस में मौजूद हैं वो कैंसर और HIV की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव्स ही हैं, इनको आपको करना है। इवेलुएट कहाँ से हुए, कॉलोनल फ्लैजिलेट्स प्रोटोक्टस्ट से हुए, 700 मिलियन साल पहले हुए, डैश हो गई, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया। कायनोफ्लैजिलेट्स से रिलेटेड हैं स्पॉन्जेस आर रिलेटेड टू कायनोफ्लैजिलेट्स, ये भी आपको याद हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है। कि डाइजेस्टन नो डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम एंटायरली इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। इसी तरह आपने ये सारे ऑब्जेक्टिव्स याद करने हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी सपोर्ट करेंगे। ये जो स्टेटमेंट है इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। फाइलम निडेरिया को भी इसी तरह किया। निडेरिया ऑर्गेनाइज्ड डिस्टिंक्ट टिश्यूज हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज मसल्स के तौर पर काम हो रहे हैं करते हैं। खास बात सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इंटरनल कैविटी गैस्ट्रोवास्कुलर इज नोन एज गैस्ट्रोवास्कुलर और सेलेंट्रॉन। इसी कार्निवोर्स होते हैं, ऑल निडेरियंस आर डैश कार्निवोर। इस तरह आपने ये सारे पॉलीपिंडूसा ये सब याद कर लेंगे। ये जितनी ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको लगा दिए हैं प्लेटी एलिमेंट्स तक आप सब तैयार कर लीजिए, और ये जो बॉक्सेस हैं इनको भी रेडी करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेटी एलिमेंट्स पढ़ेंगे और इसी में ऑब्जेक्टिव्स को मार्क कर देंगे। समझते भी जाइए, याद भी करते जाइए तेज़ी से। आज का होमवर्क में आपके पास ये दोनों फाइलम्स हैं, इस वीकेंड पर आप इनको याद करेंगे, ठीक है। जब साथ साथ याद करेंगे तो आपके एग्ज़ाम की ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। AS सेंटर के साथ जुड़े रहिए, अपने मसाइल मेरे साथ हल करवाइए। थैंक यू सो मच। नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। थैंक यू।